और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो देख रहे हैं भैया, इस मंथ 23 तारीख का बैकअप क्लास है। MDC को कॉल करो अपने बैकअप क्लास के लिए और अपनी सीट को रजिस्टर करो। सीट रजिस्टर करने की प्रोसीजर ये है बैकअप क्लास की कि आपको आपकी टिकट भेजनी पड़ेगी, क्योंकि होता है क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम 23 तारीख को आ जाएंगे, बट आगे फिर किसी कारण नहीं आ पाते हैं, तो फिर उस तारीख को जिनको बुलाना होता है वो नहीं आते, तो उनकी जगह हम किसी और को भी नहीं बुला पाते, तो रीज़न ये होता है। तो टिकट भेजिए, अपनी क्लास को रजिस्टर कराइए, कोई पैसे नहीं देने आपको, और आपको कितने जितने भी दिन की क्लास दी जाएगी वो आपको फ़ोन पे बता दी जाएगी। और जो सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल। तो सो ये वीडियो मैंने बनाया है अपने एक लोकल भाई के टेक्नीशियन, जो लोकल टेक्नीशियन है उस भाई के लिए। सबसे पहले सत श्री अकाल और जय 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 श्री राम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को देवेंद्र अग्रवाल चैनल की तरफ से, और बहुत बहुत शुक्रिया प्यार करने का। सबसे पहले भैया, जितने भी जो लोग ने ये कर चुके हैं वो मत करना, जो नए हैं जो या पुराने हैं जिन्होंने एक बार भी नहीं किया, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हैं तो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं अनसब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार दोस्तों, क्योंकि चैनल पुराने हो जाने के बाद में क्या होता है कि जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको जो हमारे नोटिफिकेशन नहीं जा पाते, इसलिए उसको फिर से रीसब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। सो दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, वीडियो में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये काम बहुत चुटकी में कर लेते होंगे, पर हो सकता है आपके लिए बहुत सारे लोग ये सब काम आपके लिए शायद सपना होगा, हो सकता है आप लोग शायद ये सीखना चाहते हैं। सो ये मैं बस सीखने की भावना से ये वीडियो आपके लिए बनाया है। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखो मेरे को है ना एक लोकल टेक्नीशियन, जो नॉर्मल टेक्नीशियन है, मतलब कोई बड़ा टेक्नीशियन नहीं है, अगर मैं बात कहूँ तो नॉर्मल टेक्नीशियन है, वो फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर लेता है और छोटा मोटा हार्डवेयर का काम करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, CPU वाइज नहीं, छोटा मोटा पावर AC निकाल लिया, चार्जिंग बदल ली, या फिर वो रिबोल कर लिया AC। तो दोस्तों ये एक नोट 4 है और ये उसने मुझे लोकल ने भेजा है, और उसने बताया कि सर इसको वो फ्लैशिंग कर रहा था, सॉफ्टवेयर का एरर आ रहा था, फ्लैशिंग कर रहा था, सॉफ्टवेयर का एरर आ रहा था, और फ्लैशिंग से नहीं हुआ, तो उसके बाद उसने उसकी MMC को निकाला, उतारा और रिबोल किया, और उसने बताया कि उससे भी ये सेट ऑन नहीं हुआ, और उसके बाद फिर से फ्लैशिंग किया तो सेम एरर आया। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए। तो उसके बाद भैया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहेंगे तो ये तो उसकी सेट की MMC है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये पर्टिकुलर ये सेट है, और उसने MMC उतार के ये सेट मेरे को भेज दिया, बोला कि सर ये सेट हमसे नहीं बन रहा है, अब इसका क्या कारण हो सकता है। तो मैंने उसको कारण बताया कि देखो, जब फ्लैशिंग में एरर्स आते हैं, तो उसके एरर देखे तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपकी जो रोम है और जो रैम है, जो कि यहाँ पे EMMCP लगी हुई है, सो ये उस बेसिकली रोम का मसला, आपकी MMC आपकी कनेक्ट नहीं हो पा रही है, और MMC में उनका फॉल्ट है दोस्तों, यही पाया है कि MMC उनकी ख़राब थी। देखा जाए तो कई बार क्या होता है कि MMC में सिर्फ MMC ख़राब नहीं होती, MMC सही होती है, पूरी रीड हो जाती है, पूरी रीड इन्फो लेने के बाद में पूरी आइडेंटिफाई भी हो जाती है, रीड राइट सब कुछ होती है, बट उसकी रैम ख़राब होती है, तो ये भी इसके लिए भी हमें MMC को चेंज करना होता है। तो ये सारी चीज़ के लिए हमें ना DC सप्लाई की रीडिंग और वोल्टेज की जानकारी सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक यहाँ के लोकल एक टेक्नीशियन भाई हैं, उनको नहीं थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं सर अभी तो फ़िलहाल आप ये सेट को अगर आप बना रहे हैं तो उसको प्लीज़ वीडियो डाल दीजिए, ताकि मैं इसको वीडियो में देख सकूं, और अगर मुझे लगता है कि वाकई में सरल है और बनाने लायक है तो ये फिर मैं कंटिन्यू करूंगा, और हो सकता है कि मैं और बोल रहा था कि MMC सीखने के लिए भी आ जाऊं। तो मैं आपसे भी कह रहा हूं, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, और जो सॉफ्टवेयर में अनलॉकिंग कर रहे हैं, जो फ्लैशिंग कर रहे हैं, और जो थोड़ा छोटा मोटा हार्डवेयर कर लेते हैं, पर जिनको हार्डवेयर पूरी तरीके से नहीं करना है, जिनको सॉफ्टवेयर पर ही बहुत मज़ा आता है, तो मैं उन भाइयों के लिए खास तौर पर वीडियो है कि आप MMC का कोर्स अटेंड कीजिए हमारे यहाँ, जहाँ आपको हमारे जो MMC प्रोग्रामर टीचर हैं मिस्टर मिलन, जो मिलन सर आपको पढ़ाएंगे, और हमारे जो टीचर हैं उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। MMC की क्लास में आपको हम MMC प्रोग्रामिंग, MMC की आइडेंटिफिकेशन, MMC CPU वाइज आइडेंटिफिकेशन, और कैसे MMC को चेंज करना है, MediaTek में हो या Samsung में हो या Qualcomm में हो या किसी भी कोई अदर ब्रांड में हो, तो उसको MMC कैसे चेंज करें, और उसके अलावा उसके ऊपर हम आपको UFS की भी जानकारी देंगे, जिसमें हम आपको जनरल प्रोग्रामिंग, अनलॉकिंग और सब कुछ बताएंगे, और ये बताएंगे हम UFI के साथ, और अगर आप बॉक्स लाते हैं तो उसमें JTAG के साथ भी हम आपको इसमें बताएंगे, और बट आपको
ये मान के चलना है कि आपको सिर्फ MMC सीखने नहीं आनी है, उसके साथ हम आपको ब्लैक पेस्टेड, क्योंकि MMC में क्या होता है दोस्तों, ब्लैक पेस्टेड वाले यहाँ से जो भी अभी नए ओप्पो वीवो या जितने भी फ़ोन आ रहे हैं आजकल, तो MI में भी ब्लैक पेस्टेड आ गया है। सो MI में भी ब्लैक पेस्टेड IC निकालना, तो ब्लैक पेस्टेड आपको बहुत अच्छे स्मूथ तरीके से निकालना सिखाएंगे, और जिसमें आप आपके जो बोर्ड आप जितने भी ला सकते हैं उस पर आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और उसके अलावा आपको एक डुअल डेकर आपको क्लीनिंग मेथड और सेफ तरीके से किस तरीके से इसको क्लीन करके लगाया जा सकता है वो मेथड आपको सिखाएंगे, 1 OTP मतलब 1 टाइम प्रोसेस तरीके से। सो ये सब कुछ हमारे में इंक्लूड रहेगा, बट केवल क्या नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर जिसमें फ्लैशिंग वगैरह ये सब कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर, और कंप्लीट हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर की बात करूँ कॉम्पोनेंट का नॉलेज, IC आइडेंटिफिकेशन, या फिर सेक्शन वाइज लाइट सेक्शन, ग्राफिक्स, ऑडियो डैट सेक्शन, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा क्योंकि किसी भी MMC का है। पर क्योंकि जब आपको डैट पे काम नहीं पर क्योंकि आपको जब हार्डवेयर पे काम नहीं करना है, आपको सिर्फ MMC या सॉफ्टवेयर पे काम करना है, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप आइए और इस कोर्स को अटेंड कीजिए। फिलहाल तो मैं अपने टेक्नीशियन भाई के लिए, अच्छा कोर्स अटेंड करने कोर्स कॉल करने के लिए नीचे नंबर दिए हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप यूट्यूब में बैठ के सीख सकते हैं, और जब आपको लगे कि भाई सीखने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और चलो एक बार कोशिश करते हैं, कहीं जाते हैं बैठते हैं, क्योंकि जिन टेक्नीशियन से मैंने लिया था उसने कोई दुकान उकान में जाकर IC निकालना रिवॉल्व करना तो सीख लिया था, पर टेक्निकली आइडेंटिफिकेशन डायग्नोस ये सब कुछ उसने नहीं सीखा था, इसलिए ये चीज़ उससे नहीं बना। तो आइए इसको बनाते हैं और किस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, अब इसकी में तो ना MMC नहीं है फिलहाल, ठीक है, और बोर्ड में मैंने उससे यही बोला था कि तुम तो मुझे इसे बोर्ड दे देना, मुझे MMC की ज़रूरत नहीं है, मैं MMC इसमें दूसरी लगा के दे दूँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हालात हैं, यहाँ पे MMC नहीं है। सो फिलहाल हमें इसकी MMC डायग्नोस करना है और इसमें MMC पहचानना है कि इसमें MMC लगाएं कौन से। सो आइए चलते हैं अब अपने DB फाइंडर पे। तो आइए चलते हैं और इसके ऊपर जो हम सिखाएंगे, जो मिलन सर सिखाएंगे Acer टेलीकॉम की टीम की तरफ से, तो वो आपको बहुत स्टैंड लेवल पे हैं उन, और आप जब मैं इसमें IC लगाऊंगा और निकालूंगा बदलूंगा सब प्रोग्रामिंग करूंगा, तो छोटा सा मैं अपनी क्लास का मिलन सर का ही वीडियो आपको सामने चलाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ Acer टेलीकॉम में आपको आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जिसमें आप हर महीने उसके बाद 2 महीने 3 महीने के बाद आप किसी भी हर 1 महीने में, मतलब पर्टिकुलर ईच एंड एवरी मंथ में आप 2 बार हमारे पास बैकअप हैं, हमारे से फ़ोन करके फ्री में आ सकते हैं। सो दोस्तों ये है फ़ोन माइक्रो DB, मैं आपको पूरा बंद करके दिखाता हूँ। देखिए बेसिकली क्योंकि मुझे सबसे पहले अपना, और यहाँ पे मैं अपना माइक्रोस्कोप भी चला देता हूँ, पहले मैं इसको खोल लेता हूँ फिर मैं अपना माइक्रोस्कोप चला देता हूँ, क्योंकि मैं इसी से, चलो इसमें मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने इसमें ना कैमरा अटैच कर लिया अपने माइक्रोस्कोप का, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, और यहाँ पर ये मेरा बोर्ड है, आप ये बोर्ड देख सकते हैं, और अभी मैं बोर्ड को भी कंडीशन दिखाऊंगा कि बोर्ड मेरा ऑन है कि नहीं है। पता चला मैं MMC लगा रहा हूँ और कोई फ़ायदा निकला ही नहीं इसका, ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास MMC तो है नहीं है, तो हम क्या करें जब हमारे पास MMC नहीं है, तो आइए हम इसके माइक्रोफोन DB, जो माइक्रोफोन DB फाइंडर है, हम उसमें हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये टूल है, ये है माइक्रो DB फाइंडर, ये आपको मिल जाएगा, आप गूगल में डाउनलोड कर लेना। इसमें 1 टाइम आप वो बनाना आपका पासवर्ड ID, ठीक है, देखिए मैंने लॉगिन किया और ये ऑनलाइन है दोस्तों, ये ऑफलाइन नहीं खुलता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, तो मैं यहाँ पे Xiaomi चुनूँगा। अब यहाँ पे मुझे MPR उसके मॉडल वाइज बता रहे हैं, तो मेरा Redmi है R, और यहाँ पे अब मैं अपना Note 4X, सो बेसिकली मेरा Note 4X इसको चुनूँगा, Qualcomm बेस। अब उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पे मेरे को बहुत सारे मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं, तो जो मेरा मॉडल्स है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो मेरी जो MMC है
तो यहाँ पे देखूंगा कि देखो यहाँ पे शुरू में जो तीन आपको दिखाई दे रहे हैं वो कंपनी ने इंस्टॉल करके दिए हैं, और आप इसकी डिटेलिंग और आप चाहें तो इसको आप इसके में जान सकते हैं कि प्रोडक्ट नेम क्या है, और इसको डबल टिक करके आप इसके अंदर और भी जान सकते हैं कि बेसिकली इसका रैम साइज़ क्या हो सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की है, इसके नैंड का वर्जन कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाएगा, रैम स्पीड मिल जाएगी, रोम स्पीड मिल जाएगी, पैकेज मटेरियल तो यहाँ पर लिखा नहीं होता है, बॉल काउंटिंग भी यहाँ पर है कि यहाँ पर 221 बॉल है, और जनरेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी में जाएंगे और किस किस से ये कंपैटिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ये तीन जो हैं ये तो इंस्टॉल हैं, फ़िलहाल मेरे पास इसका बोर्ड नहीं है, तो मेरे पास किसका बोर्ड है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये जो माइक्रोस्कोप में आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि मेरे पास में जिससे मैं ये लगाने वाला हूँ, देखिए तो मेरे पास एक 5A का बोर्ड पड़ा है जो विद EMMC है, यहाँ पर स्क्रैप बोर्ड आप बोल सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्पोनेंट ICs जो मैंने यूज़ करने के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। ये सारे नेटवर्क सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन में आपको DC to DC सेक्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको देखिए सैमसंग की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सैमसंग की एक EMMC देखने को मिल रही है, तो इस EMMC को हम चेक करेंगे कि क्या ये EMMC हमारे इसमें ये लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, तो हम इसी EMMC को हमारे Note 4 में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो EMMC है यहाँ पर B318 EMMC का नंबर है और KMQEG0013M है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसका नंबर देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम B318 देखेंगे, तो यहाँ पर B318 देखेंगे, तो देखिए ये B318 हमें दो ICs तो मिल गई हैं यहाँ पर, और जहाँ पे ये बता रही हैं 221 हमारी BGA है और 16 GB का इसका जो रोम है, मतलब जो इंटरनल मेमोरी है इसकी 16 GB की है और 5.1 है, और 2 GB रैम इसमें दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 GB रैम, यहाँ पे आप 5.1 वर्जन है, और ये 16 GB इसकी रोम है और 221 ये BG है, और इसको हम बाकायदा लगा सकते हैं। तो आप देखिए ये जो IC है इसको मैं डबल टिक करता हूँ, ये देखिए, तो इस IC में यहाँ पे 2 GB और मतलब जो मैं कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देखूँ तो मैं लगा सकता हूँ, और ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये दिखा रहा है कि 5A में भी आती है, सो बेसिकली मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो आई होप कि आपको ये नॉलेज आपको अच्छा लगा हो, पर मैं आपको बताऊँ कि इसके अलावा भी और इसके ऊपर भी हमारी क्लास में जो हमारे टीचर हैं मिलन सर, वो आपको इसके ऊपर भी स्टैंड लेवल पर नॉलेज देंगे, क्योंकि ये टेक्नीशियन से था, मुझे एक वीडियो बनाना था और उसी की डिमांड पर था, ये ऐसा नहीं था, क्योंकि नोट 4 पर ऑलरेडी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो भी डाले हुए हैं, हमने इससे पहले भी डाले हुए हैं, पर मेरे जो जिन्होंने मोबाइल मुझे दिया कह रहा है कि सर आप प्लीज़ इसका एक वीडियो बना के मुझे डाल देना, ताकि मुझे इस पर थोड़ी नॉलेज मिल सके कि आखिर में ये बनाए कैसे, और EMMC में ऐसा क्या हलवा है EMMC के नाम पर कि भाई उसको किस तरीके से आपने इसको किया, क्या कोडिंग डिकोडिंग या कुछ आपने ऐसे यहाँ पर ऐसी कोई लैंग्वेज यूज़ की जिसके लिए कोई पर्टिकुलर क्लास जाना पड़ता है, तो बिल्कुल कोडिंग सीखने के लिए तो क्लास आना पड़ता है, पर ऐसा कोई हाई क्लास या मैं बोलूं इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ऐसी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि अगर आप टेक्नीशियन हैं और आपको नॉलेज है और आपको सॉफ्टवेयर आता है तो आप EMMC को बिल्कुल सीख सकते हैं। अगर आप बेसिक हैं तो बेसिक में भाई मेरे तो आपको पहले हार्डवेयर सीखना पड़ेगा और सॉफ्टवेयर, उसके बाद में EMMC पे आपको जाना। तो आइए चलते हैं, तो हम क्या करते हैं इस EMMC को उतार देते हैं, EMMC को उतार के फिर हम देखेंगे इसकी प्रोग्रामिंग और इसका हम इसको क्लीन करेंगे, ये जो क्लास है हमारे ये EMMC क्लास की डे 2 की क्लास है, हम इसको हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करके बाद फॉर्मेटिंग बैकअप लेना, ये सारे चीजें सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पे आपको फ्री में भी एडवाइस दे रहे हैं कि किस तरीके से क्वालकॉम CPU में आप ऑनलाइन ऑफलाइन फोन को आप राइटिंग कर सकते हैं, और साथ में आप एशिया टेलीकॉम को बिना जाने ना कोई कमेंट करें ना कुछ कर सकते हैं, देखिए आप खुद आइए एक बार और आके क्लास लीजिए, क्या बोलते हो क्लास ले सकते हैं, अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि क्लास चाहिए क्लास दिखा दीजिए, क्या सिखाया जा रहा है क्या नहीं सिखाया जा रहा है उसके बाद आप कुछ बोलेंगे। आप यहाँ पे हम आते हैं मेन टॉपिक में, आप हम जो आए हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ सिखाने के लिए फ्री में, ये चीज है क्वालकॉम CPU को हम कैसे राइड करेंगे कि शॉर्टकट वे में हम किस तरीके से टाइम बचाते हुए काम करेंगे, क्योंकि IC को अगर हम UFI से फ्लैश करेंगे तो 9 MB/s स्पीड होगा, अगर USB से फ्लैश करेंगे तो 40 MB/s हमारा काम होगा, तो USB से काम किस तरीके से करेंगे,
ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे ऑनलाइन फोन। कौन सी फोन? ऑनलाइन। ऑनलाइन फोन में सबसे पहले क्या राइट करेंगे? EXTCHT। क्या राइट करेंगे? EXTCHT राइट करेंगे। कौन सी फाइल राइट करेंगे? थोड़ा स्क्रीन पे दिखाइए कि किस तरीके से राइट करना है। हमें आना है यहाँ पे, और यहाँ पे EXTCHT जो लिखा है देख रहे हो, EXTCHT। कौन सी CPU है? क्वालकॉम। कौन सी CPU है? क्वालकॉम। तो क्वालकॉम में क्लिक करते हैं। किस में क्लिक करेंगे? क्वालकॉम। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या क्रिएट हो जाएगा? 0x38 क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? 0x38। तो सबसे पहले क्या राइट करना है? क्या राइट करना है? EXTCHT। नंबर टू लिखो। नंबर टू जाना है आपको फैक्ट्री इमेज में। कहाँ पे जाना है? अभी तक हम लोग देख रहे थे प्रोग्राम और यूजर पार्ट। क्या देख रहे थे? प्रोग्राम और यूजर पार्ट देख रहे थे। आपको जाना है कहाँ पे? फैक्ट्री इमेज में। कहाँ पे जाना है? फैक्ट्री इमेज। लिखो फैक्ट्री इमेज में जाना है। कहाँ पे जाना है? फैक्ट्री इमेज। आपको जाना है फैक्ट्री इमेज में जाना है, और यहाँ पे आपको वेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वेंडर। क्या लिखा हुआ है? वेंडर। थोड़ा दिखाइए ऊपर, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे वेंडर जो सिलेक्ट, वेंडर जो लिखा हुआ है, या प्लेटफॉर्म या ब्रांड लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको मीडियाटेक नहीं, क्वालकॉम नहीं, आपको क्वालकॉम ही सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? क्वालकॉम। क्या सिलेक्ट करना है? क्वालकॉम सिलेक्ट करना है। फैक्ट्री इमेज में जाना है और क्या सिलेक्ट करना है? क्वालकॉम सिलेक्ट करना है। क्वालकॉम सिलेक्ट करने के बाद नंबर थ्री में आएंगे। नंबर थ्री में आने के बाद यहाँ पे आपको फ्लैश फाइल डालना है। आपका जो ऑनलाइन फ़ोन है, जैसे कोई आपके पास ओप्पो A3SR, रियलमी 2 है, या ओप्पो A7 है, ओप्पो A5 है, ये सारी फाइल जो OFP फाइल आता है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको रॉ प्रोग्राम पैच 0 फाइल मिल जाएगा। और ये रॉ प्रोग्राम पैच 0 फाइल को आपको यहाँ पे डालना है। जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। तो जैसे मैं एक फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक फाइल एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो फाइल है हमारा क्वालकॉम सीपीयू है। क्वालकॉम सीपीयू में फ्लैश फाइल आपका क्या आएगा? रॉ प्रोग्राम और पैच 0। तो रॉ प्रोग्राम मैं डिसलेक्ट करूंगा और पैच 0 सिलेक्ट करूंगा। ये डालने के बाद आपको मस्ट भी देखना है, रॉ प्रोग्राम फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है। फ्लैश फाइल सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल सिलेक्ट करने के बाद मस्ट भी एक चीज़ आपको करना है, जिसके बिना आपका फोन चालू ही नहीं होगा। आपको देखना है कि यहाँ पे सारा फाइल पे टिक रहना चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं मिस फाइल में अनटिक है, ये सारे फाइल में अनटिक है। आपको क्या देखना है कि सारा फाइल में क्या है? मस्ट भी टिक रहे। मस्ट भी क्या रहे? टिक रहे। ये मस्ट भी आपका जरूरी है ना। नंबर थ्री में फ्लैश फाइल डालने के बाद आपको क्या देखना है कि सारा फाइल पे मस्ट भी क्या रहे? टिक रहे। टिक रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे राइट बटन में क्लिक करना है। किसमें क्लिक करना है? राइट बटन में क्लिक करना है। तो जैसे राइट करेंगे आपका जो फ्लैश फाइल है वो राइट होना चालू हो जाएगा। क्या होना चालू हो जाएगा? राइट। फ्लैश फाइल क्या होना चालू हो जाएगा? राइट। फैक्ट्री में से हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लैश फाइल को राइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। जैसे ही आपका फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा तो नंबर फोर में आना है आपको। नंबर फोर में आने के बाद आपको यहाँ पे डालना है जो आपका बैकअप है, मॉडेमिस्ट 1, मॉडेमिस्ट 2 और FSG। ये मस्ट भी बैकअप में लेना है, वही जो IME बेसमेंट की फाइल, इसको राइट करना है आपको। आपको यहाँ पे IME और बेसमेंट की फाइल को क्या करना है? राइट करना है। क्या कर रहा है? राइट। तो IME बेसमेंट की फाइल राइट करने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? यूजर एरिया पार्ट में। कहाँ पे आना पड़ेगा? तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा यूजर एरिया पार्ट में, और यूजर एरिया पार्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा IME बेसमेंट की फाइल, जहाँ पे भी हम सेव करके रखेंगे वहाँ पे जाना है। जैसे सपोज यहाँ पे देखेंगे, ये जैसे देख सकते हैं आप मॉडेमिस्ट 1, मॉडेमिस्ट 2 और FSG, इसको क्या करना है? डबल क्लिक करके ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है? राइट कर देना है। क्या कर देना है? राइट कर देना है।
नंबर फाइव में आना है। नंबर फाइव में आपको यहाँ पे क्या करना है कि सर आपको आईसी को बोर्ड में फिक्स करना है। किसमें फिक्स करना है? बोर्ड में। आईसी को कहाँ पे फिक्स करना है? बोर्ड में। और नंबर सिक्स, क्वालकम में कभी भी डंप फाइल का यूज नहीं करना है। क्वालकम में मस्ट भी ये याद रखिएगा, क्वालकम में कभी भी डंप फाइल यूज नहीं करना है, क्योंकि क्वालकम में अगर डंप फाइल आप यूज करेंगे तो सेम वर्जन की फाइल भी यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो MMC है वो रिवॉल्व हो चुकी है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे UFI के पास। तो UFI में हमने ये MMC लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पर UFI में इस तरह का कुछ बॉक्स आता है जो बिल्कुल नए हैं, देख लीजिए। और इसकी जो कीमत होती है वो करीब तकरीबन, मुझे मार्केट में पता नहीं है अभी क्या चल रहा होगा, 16,000 रुपये से 17,000 ऐसे कुछ इसकी कीमत होती है मार्केट में। अभी क्या करेंट है मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं है, पर अगर आप इसको लेना है तो इसको आप ZX मलेश सर से ख़रीद सकते हैं। डायरेक्ट आपको होम डिलीवरी हो जाएगा, जेन्युइन प्रोडक्ट। तो हम इसमें लगा देंगे ये। और फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, आवाज़ भी आपने सुनी होगी। अब हम अपना जो प्रोग्रामिंग है वो करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है इस फिलहाल। तो अभी तो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके देखिए, अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा। तो देखिए, मेरा IC आइडेंटिफाई हो चुका है जो कि 5A का है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको इरेस्ट कर दूंगा, फैक्ट्री रिसेट, और फिर इरेस्ट कर दूंगा। नाइंट ऑब्वियस है क्योंकि IC की हालत तो देखा था, बट मैं इसको फिर से 9 टेस्ट जरूर कर लूँगा। बाकी ये ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होती है सैमसंग की ICs। अब इरेस कर लूँगा कम्प्लीटली। तो अभी इसमें जो भी बूट पार्टीशन है वो सारे इरेस हो गए हैं, यूज़र एरिया बूट पार्टीशन सारे। अब 9 टेस्ट कर लूँगा एक बार। यहाँ पे मुझे रेड नहीं आना चाहिए, सब ग्रीन ग्रीन आना चाहिए। तो देखिए, हर चीज़ ग्रीन आई है, तो इसका मतलब है मेरा नेट ओके है। और एक बार हेल्थ चेक कर लूँगा, जो कि मुझे 0 से 10% या 10 to 20% होना चाहिए। बट यहाँ पे हेल्थ थोड़ी सी यूज़ की गई है इसकी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर 30 to 40% हेल्थ है SLC और MLC की। तो ठीक है, मैं फिर भी IC यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और जब मैं इसको, आप अभी आप देखिए इसमें 30 to 40% है, पर जब मैं इसको प्रोग्राम करूँगा तो इसमें हेल्थ वापस की 0% पे आ जाएगी, 0 to 10%। तो इसकी MMC की फर्मवेयर को रीड कर लेते हैं पहले। ये इसका प्रोडक्ट नेम है QE63MB। ठीक है, हो गया यहाँ पर। तो फर्मवेयर फाइल रीड हो गई है। अब मैं अपडेट में क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी मेरे को फाइल दिखा रहा है। मैं इसको ओके करूँगा और कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने यहाँ पर
आरपीएम भी क्लीन कर रहा हूँ मैं। देखिए बहुत स्पीड में हो गई है। अब आप इसके काउंटर देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए लिखा है ऑथेंटिकेशन की नॉट ईयर प्रोग्राम और सब कुछ ठीक है। तो अब मैं एक बार इसकी हेल्थ भी दिखाना चाहूँगा। तो देखिए इसकी हेल्थ देखिए 0 to 10%, ठीक है। तो अब हम इसको यूजेबल बना लेंगे ताकि हम क्वालकॉम में यूज़ कर सकें इसको, और ये पोर्ट बना लें उसको, उसके बाद फ्लैश करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आईसी ओके है। अब मैं निकाल लेता हूँ इससे। और दोस्तों ये सारी प्रोसीजर मैं आपको जो करके दिखा रहा हूँ, ये आपको लग तो रहा है सरल है, पर सच बता वन टाइम आपको किसी ना किसी एक गुरु के हाथों से करोगे तो तब जाके आपको 100% श्योर हो जाओगे। क्योंकि वीडियो में देख के आप कर लोगे और कुछ और हो गया तो कंफ्यूजन, 10 सवाल बनते हैं, 10 सवालों के आंसर नहीं मिल पाते हैं तो कंफ्यूज रहोगे, करने में डरोगे और करने में डरोगे तो फिर कोई वीडियो का भी मतलब नहीं निकलता। इसलिए कि ऑनलाइन सीखे नहीं जा सकते, इसलिए तो मैंने क्या किया ऑनलाइन तो सीखे ही नहीं जा सकता है। ऑनलाइन अगर कोई इंस्टीट्यूट सिखाता भी है तो मैंने समझो कि वो गलत कर रहा है, मतलब जो बच्चों को सिर्फ वीडियो में दिखा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। और जो सही प्रैक्टिकल है, क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा उसके डाउट नहीं होंगे और वो 400 बार नहीं पूछेगा। ऑनलाइन तो देख कर मतलब आप यूट्यूब की कोई वीडियो देख लो बता अच्छा है कि पैसे देने से तो ज़्यादा अच्छा। सो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि इसमें मैंने आपके लिए मेहनत की है। हालांकि ये वीडियो मैंने अपने लोकल की टेक्निशियन के लिए बनाया है। तो मुझे ये बताओ छोटा सा कि कौन कौन ईएमएमसी चेंज कर पाएगा। अब हम आईसी को लगा देते हैं, अब देख सकते हैं इतने सारे लोग जो है ईएमएमसी चेंज कर पाएगा। अच्छा झूठ तो नहीं बोल रहे, नहीं सर, फेक तो नहीं ऐसा कुछ नहीं बोले सर। हम अब वो बात करेंगे आज की जो ईएमएमसी चेंज की क्लास रहा, जैसे हमारे साथ एक स्टूडेंट है, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल सर। अब्दुल कहाँ से है? आसाम से हूँ सर। आपके हाथ में क्या है? ये मोबाइल है सर, ओप्पो का एक। ओप्पो? हाँ सर, ओप्पो का है। अपने इसमें इसमें क्या हुआ है? ईएमएमसी का प्रॉब्लम था सर, फोन डेड था। जब ईएमएमसी का चेंज किया तो फोन ऑन हो गया। ईएमएमसी चेंज किया? जी हाँ सर। अच्छा ये फोन में सिर्फ ईएमएमसी चेंज कर पाएंगे कि सारा फोन में? सर जो भी हो ना, कोई भी फोन हो चेंज कर देंगे। चेंज आज की जो टॉपिक हुआ है बिना हार्डवेयर आईडी के साथ, उसमें कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे सर, बिल्कुल 100% के साथ, 100% 110% सर। अच्छा अब्दुल मुझे ये बताइए कि एशिया टेलीकॉम को अगर एक शब्द में बोलना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? सर बेस्ट है। बेस्ट है, बेस्ट है सर। अगर एशिया टेलीकॉम को कोई बिना देखे जज कर रहा है, जी सर, कोई बिना देखे बोल रहा है, बिना आए कमेंट कर रहा है ना, जी, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, 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 उसको क्या क्या बोलना चाहिए, इसको उसको क्या बोलेंगे? सर मैं वही उनको यही कहूंगा कि मैं दूंगा उनको पैसा, पहले वो आ जाए यहाँ पे। अगर उनको नॉलेज नहीं मिलता उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्टूडेंट है, मैं अकेला लेता हूँ। मेरा नंबर है 8011511144। ये नाम बोलोगे अगर वो पूछते हैं कि सही है और या गलत है, वो अगर पूछते हैं तो क्या बोलोगे? सर मैं बोलूंगा उनको आना चाहिए, क्योंकि उनको आना चाहिए, गलत बाहर बोलने से पहले आना चाहिए। आने में एक बार देखो, आके देखे सर, देखो एशिया टेलीकॉम को परखो, हाँ क्या चीज है एशिया टेलीकॉम, हाँ सर, उसके बाद आप कुछ बोल पाओ। हाँ सर, और अगर मैं सीखना नहीं चाहता और टीचरों को बोलेंगे कि टीचर नहीं सिखा रहे हैं तो फिर ये मेरा गलती है ना सर। अगर मैं सीखूंगा नहीं तो टीचर को गलती क्यों ब्लेम करूंगा सर? मैं ठीक है। अच्छा आज की जो क्लास हुआ ये कैसा रहा? सर बहुत ही बढ़िया सर। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। डे वन देव सर मिले, देव सर में हार्डवेयर पढ़ाया, कैसा रहा हार्डवेयर? सर जबरदस्त है सर, जबरदस्त जी सर, एंडलेस नॉलेज मिला सर, बहुत कुछ मिला है सर, बहुत कुछ जो, हाँ सर बहुत कुछ, बहुत कुछ। उसके बाद बोर्ड हमने कर लिया क्लीन, अब हम एसी को लगाएंगे जी सर। और दुर्गिया सर ने आपको सॉफ्टवेयर क्लास पढ़ाया, कैसा रहा सर? बढ़िया सर, सर ने सर एक नंबर है सर। सॉफ्टवेयर के सर बहुत चीजें पता ही नहीं था सर, यूट्यूब में तो ऐसा मिलेगा ही नहीं, यूट्यूब की बात ही नहीं है सॉफ्टवेयर। उसके बाद ईएमएमसी का क्लास चल रहा है, हाँ सर। ईएमएमसी कैसा सर? बहुत बढ़िया सर,
एमएमसी सर पता ही नहीं था ये क्या होता था एमएमसी का, सर कौन सी पार्ट होती है एमएमसी में, कौन सा रोम का एरिया कौन सा होता है, रैम का एरिया कौन सा होता है, पता ही नहीं था सर पहले। अब आपको अगर मैं एक एमएमसी का रिलेटेड हैंडसेट पकड़ा दूं जी सर, और आप रिपेयर कर पाएंगे कि सर? 100% कर देंगे, 110% सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं और एक स्टूडेंट के पास आ जाऊंगा। क्या नाम है आपका? जी सर मेरा नाम अली है, मैं यूपी से हूँ। मनी अली? अली 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 यूपी से। जी सर। अच्छा आपके हाथ में क्या है? ये फोन है सर एक, इसमें क्या दिक्कत ये थी कि एमआई लिख के बंद हो जाता था। जी 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 जी। फिर हमने उसे फ्लैश किया जी, इसके बाद डेड हो गया। डेड हो गया एकदम डेड हो गया। उसके बाद फिर उसके एमएमसी निकाल के उसको हेल्थ तो उसका चेक किया, बाकायदा प्रोग्रामिंग की, फिर उसको चालू किया। ये सब किसने किया? हमने किया खुद खुद हमने किया। क्या बात कर रहे हो सर? जी सर एकदम बोलने से लेके लगाने लगे जी सर पूरा का पूरा। कोई दूसरा फोन कोई भी दीजिए सर, हम करके देंगे। करके दोगे? ये वादा है? एकदम। आपके मोहल्ले वाले, आपके आस पड़ोस के दुकान वाले भी देख रहे हैं। जी जी ये जरूर आए इसके पास और इनको फोन दीजिए और रिपेयर करके ही मिले। जी सर जी सर बिल्कुल 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 गारंटी। आपका शॉप का एड्रेस क्या है? जी सर मेरा यूपी अम्बेडकर नगर में है जी, तन्हा मोबाइल करके नाम है। चलिए तो मैं और एक सवाल पूछूंगा आपको, एशिया टेलीकॉम में पैसा वसूल है कि नहीं? पैसा वसूल है सर, पहले ही दिन पैसा वसूल हो गया था। पैसा वसूल सर की क्लास में। तो दूसरा और एक सवाल है, एशिया टेलीकॉम में को बिना जाने जो लोग कमेंट कर रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं कि नहीं? नहीं सर, उनको आना चाहिए एक बार और देखना चाहिए। देखना चाहिए जी बिल्कुल सर, देखना चाहिए। बिना ऐसे देखे कोई कुछ कह ही नहीं सकता सर। अच्छा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप फीस दिए हो कि नहीं दिए? जी सर फीस तो पहले ही दिन दे दिए थे। दे थे ना। अच्छा फीस देने के बाद कोई जबरदस्ती कर सकता है क्या आपके? कोई भी नहीं सर कर सकता है नहीं। तो जैसे आप ये फोन बनाए हो जी सर, अब आप बाकी सब फोन बना सकते हो जी सर? जो कोई भी फोन हम बना के दे देंगे। बना के दोगे कि नहीं दोगे? एकदम बिल्कुल। चलिए आगे आपकी तो और भी क्लास है और डबल की क्लास है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपको। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट से बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। राहुल आपको मुस्कुराहट बहुत अच्छा है। तो देखिए आईसी लगा दी है और अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जो देख रहे हैं भैया, इस मंथ 23 तारीख का बैकअप क्लास है, एमडीसी को कॉल करो अपने बैकअप क्लास के लिए और अपनी सीट को रजिस्टर करो। सीट रजिस्टर करने की प्रोसीजर ये है बैकअप क्लास की कि आपको आपकी टिकट भेजनी पड़ेगी, क्योंकि होता है क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम 23 तारीख को आ जाएंगे बट आगे फिर किसी कारण नहीं आ पाते हैं, तो फिर उस तारीख को जिनको बुलाना होता है वो नहीं आते, तो उनकी जगह हम किसी और को भी नहीं बुला पाते, तो रीज़न ये होता है। तो टिकट भेजिए, अपनी क्लास को रजिस्टर कराइए, कोई पैसे नहीं देने आपको, और आपको कितने जितने भी दिन की क्लास दी जाएगी वो आपको फ़ोन पे बता दी जाएगी, और जो भी फॉल्ट है आप लिख के लाइए और नोट करके लाइए, जो भी एरर फॉल्ट या बग्स जिसमें आप फंस रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले बोर्ड की क्या कंडीशन थी, अब बोर्ड की क्या कंडीशन है आप देखिए। पहले आपने देखा होगा कि विदाउट डीएमसी बोर्ड दिख रहा होगा, अब आप देखिए भी डीएमसी बोर्ड है और वही बोर्ड है। अगर आप इसको पीछे पुराने वीडियो में देखना चाहें तो देख सकते हैं, और ये ना मैं बोलता हूँ ना मैं करता हूँ कि बोर्ड बदल दिया, ये कर दिया, ये चार स्क्रैच मार दूंगा ये दिखाने के लिए, तो मुझे
खुद पे विश्वास है और अपनी ऑडियंस पे विश्वास है कि वो उस पे विश्वास करती है, और जो नहीं करते हैं वो तो फिर अपने माँ बाप पे भी नहीं करते हैं। सही होता है, उनको उनको मना कर या उनको जता कर कोई काम तो हम जीवन में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोग नेगेटिव जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते, बट ये बता सकते हैं कि अब हम अपने फ़ोन को फ्लैश करेंगे। तो फ्लैशिंग जो प्रोसीजर रहेगी हमारी, ये बोर्ड है मेरा, ये देखिए ये नया डिस्प्ले इसमें लगाया है उन्होंने कॉम्बो, और ये बैटरी भी नई है, बिल्कुल दूसरी बैटरी है। ठीक है, तो अभी मैं इसको इसकी मॉडिफाई फाइल से फ्लैश करूँगा, और ये मॉडिफाई फाइल कैसे बनाते हैं ये हमारे मिलन सर हमारा आपको समझाएंगे। और आप मैं देखिए कोई ऐसी बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी फाइल से फ्लैश नहीं कर रहा, पर मैं मॉडिफाई बना के कर रहा हूँ, और ये वाली जो ठीक चीज़ है ये आप क्लास में आके सीखे तो ज़्यादा बेटर है। तो देखिए मैंने लगा दिया, ठीक है, अब मैं इसको फ्लैश करूँगा। सिम देख लीजिए यहाँ पर ये मैंने रख दिया, ठीक है, और मैं UMT यूज़ कर लूँगा। तो ये UMT है, मैंने UMD लगा दिया है, और मैं UMD टूल ओपन कर लेता हूँ। लगा देना, मैडम नहीं है, तुम अपना काम कर लो। ठीक है दोस्तों, तो माफी चाहूंगा, कोई आ गया था तो इसलिए मुझे जाना पड़ा, और इस समय मैं पर्सनल लैब में हूं। तो यहां पर अभी मैं अब इस फोन को कनेक्ट करने के लिए भी केबल का यूज कर लेता हूं। ठीक है, और सबसे पहले आपके सामने पोर्ट बना देता हूँ। ये देखिए केबल लगा दी है, अब ये चेक करेंगे कि पोर्ट हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए तो हमारा पोर्ट बन गया है, ये देखिए तो हमारा पोर्ट बन गया है, और इस पोर्ट को अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा पोर्ट बन गया है अब। तो राहुल जी आप कहाँ से हैं? जी मैं जम्मू से हूँ सर। जम्मू से बहुत दूर, मैं एक ही सवाल आपसे पूछूंगा जी कि जम्मू से इतना दूर राहुल क्यों, किस लिए? क्योंकि सर मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जी सर, बड़ी देर से मैं देख रहा था कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, फिर मैंने रिसर्च की थोड़ी, लोगों से पूछा, यूट्यूब में देखा, फेसबुक में देखा, तो मैंने यहाँ पे आने का डिसाइड किया। अच्छा, ये डिसाइशन जो आपने लिए है ये सही लिए है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, सही है सर।
अच्छा डे वन से आपका क्लास कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चलता है सर। बहुत बढ़िया जी सर। कोई डाउट तो आपका रह जाता है क्या? नो नो डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर। अच्छा डाउट हो तो पूछते हैं। अच्छा पूछने के बाद ऐसा तो नहीं गाली देते? नहीं नहीं सर, दस बार पूछो सर, दस बार बताएंगे, दस बार पूछना, दस बार बताएंगे। जो यहाँ पे बताया जाता है बाकायदा उसको प्रैक्टिकल में दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया? जी सर प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल जस्ट वो प्रैक्टिकल जो थ्योरी के साथ मैच करता है कि नहीं करता? करता है बिल्कुल। बिल्कुल जी। और फोन चालू होता है कि नहीं होता? होता है सर बिल्कुल। होता है जी सर एकदम बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अगर जम्मू से कोई आना चाहे तो? सर आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है सर, पैसा वसूल है बिल्कुल। बिल्कुल जी सर। थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट और एक स्टूडेंट से बात करूंगा। हमारे और एक स्टूडेंट है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन है। आपके हाथ में क्या है? सर ये वीवो Y55L का फोन है। हाँ हाँ सर। ये डेड था पहले। हाँ हाँ। उसके बाद फिर हमने इसका प्रॉब्लम डायग्नोस किया। जी प्रॉब्लम डायग्नोस करने के बाद इसका MMC उतारा जी। उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग करके फिर इसमें फोन में लगाया। पर हाँ। इसमें MMC चेंज किए हैं आपने? आज चेंज की क्लास हुआ है आपका जी। तो चेंज का क्लास कैसा रहा आपका? बहुत बेस्ट है। बहुत बेस्ट। जो सुनते थे हम कि चेंज MMC चेंज काफ़ी लंबा प्रोसेस था, पर वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हाँ क्या होता है MMC चेंज। ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेगा। 15 से 20 मिनट जी। चेंज करके दे देंगे। चेंज करके दे दोगे? जी सर। क्या बात है। अच्छा ये आज की क्लास में या तो फिर मैं आप शायद सिर्फ MMC करने आए हैं, इससे पहले आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कर रहे थे सर। तो MMC में आप UFI कितने दिन से चला रहे हैं? डेढ़ साल हो गया सर। डेढ़ साल हो गया MMC UFI चला रहे हैं। तो जो आपको डेढ़ साल मिला है और आपकी शायद 4 दिन की क्लास हुआ है? डेढ़ साल तो कुछ नहीं है, जो 4 दिन में मिला है वो तो डेढ़ साल कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जी सर। अच्छा ये यहाँ पे जो नॉलेज है, आप तो डेढ़ साल से यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो देखे? बहुत वीडियो देखे। और कितना फोन खराब भी किए हैं। अच्छा यूट्यूब का नॉलेज मिल रहा है क्या यहाँ? नहीं सर। ऐसा हो जाएगा? बाबा वाला कोई नॉलेज नहीं। यहाँ पे गुरु वाला नॉलेज हमें मिल रहा है कि हाँ कि एक सही लाइन क्या है, सही लाइन क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, वो हमें सब सर बता रहे हैं। चलो आप UP से हैं, UP से कोई आना चाहे तो? बेशक आ सकता है। और जो लोग कमेंट करते हैं कि एशिया टेलीकॉम ऐसा है वैसा है, उन्हें मैं यही कहूँगा कि एक बार आप आके यहाँ पे देखो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद फिर जो भी बोलना होगा बोलो। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं हेटर्स, कमेंट करते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है, एशिया टेलीकॉम में खाने के लिए अच्छे से नहीं मिलता, रहने के लिए अच्छे से नहीं मिलता। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल लेते क्या अभी? नहीं सर मैं बता रहा हूँ। अच्छा आपको मैं फीस ले लिया और एक स्वीट रूम दे दिया है ना रहने के लिए, और एक दे दिया डेली 5-स्टार होटल वाला खाना, तो क्या आप खुशी खुशी चले जाएंगे? आपके चेहरे में जो मुस्कान है वो ले पला पाऊंगा मैं? मैंने खुद वीडियो देखा था, उसमें वो कहता था कि एशिया टेलीकॉम में ना ही रहने का, वहाँ जैसे ऐसा था वैसा था। पर हम लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ना कि हम लोग सोने खाने आते हैं, यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो भाई जो भी हो आके फोकस करो यहाँ काम पे, तब पता चलेगा कि हाँ एशिया टेलीकॉम क्या है क्या नहीं है। चलो अपना नंबर दे दो फटाफट से। 9161028606। ये कोई प्रमोशन के लिए नंबर दे रहे क्या? नहीं सर। ज्वाइन करने के लिए दे रहे क्या? नहीं सर। इसलिए दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि आप हमसे कॉल करके पूछे कि कैसा क्या है क्या है, नहीं जाना है, ये पूछिए कि वहाँ पे क्या मिलता है। हाँ क्या है क्या नहीं है आप हमसे ये कॉल करके पूछिए, हम आपको बेशक बताएंगे। और मैं 3 साल बाद क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है, इसलिए मैं आया हूँ 3 साल बाद यहाँ पे। तो एक बार पैसे देने के बाद अगर कभी खराब होते हैं तो आदमी दोबारा सामान लेता कभी है नहीं, कस्टमर कभी नहीं आते हैं दोबारा, और जाके और भी बदनामी करते हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है। थैंक यू वेरी मच। एक क्लैप्स हो जाए सबके लिए। हम अब मैं आपको इसको उतार के दिखाता हूँ। देखिए
देखें, अब मैंने फ्लैशिंग किया है अभी, अब मैं आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। अभी मैंने इसको मॉडिफाई फाइल से फ्लैश किया है, देखिए तो जिस चीज़ से वो लोकल टेक्नीशियन घबरा रहा था, और जो देखिए सेकंड लोगो आ गया, जिस चीज़ से वो लोकल टेक्नीशियन घबरा रहा था, जिस चीज़ को वो कर नहीं पा रहा था, वो कोई हवा नहीं है, वो कोई हवा नहीं है। जिस चीज़ से वो लोकल टेक्नीशियन घबरा रहा था, जिस चीज़ को कर नहीं पा रहा था, वो कोई हवा नहीं है। हवा है घर से ना निकलना, हवा है ये सोचना है कि मैं ठग ना जाऊँ, मैं लुट ना जाऊँ, या मैं जाऊँ या सीखूँ नहीं। और ये बात सच है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आज ऐसा हो भी रहा है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कौन में, बट ये यार ये है कि आपको है ना अपने आपको समय देना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट के जाने के बाद भी आप ये नहीं सोच सकते कि इंस्टीट्यूट के आए आपने बहुत कुछ सीख लिया और आपको उस पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट के बाद वापस आना पड़ेगा। आप अपने आपको इंस्टीट्यूट के पास वापस समय दीजिए दोस्तों। आप सोचेंगे एक बार जाने के बाद ही आप सब कुछ महान बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप देखिए ये सब विद्या है, ये एक आप देखिए कि ये लर्निंग पे आता है। और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई हैं, सॉफ्टवेयर की जानकारी, कोडिंग की जानकारी, हम एक बार अपने दिमाग में नहीं भर सकते हैं। हम कितनी बार भी कर लें, जब तक हम इसको बार बार नहीं करेंगे, हमारे को दिमाग में ही नहीं बैठेगा। पर इतना है, इंस्टीट्यूट से जुड़ेंगे तो आपके पास में एक सक्सेस रेट रहेगा, आपके जो काम आप नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे, और आपकी कमाई तो बढ़ेगी। तो ऑब्वियस है दोस्तों, आपकी कमाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर ये बगल वाला जो हमारे टेक्नीशियन है वो अगर UMMC पे काम कर लेता तो ये वो खुद भी कर सकता था, और इस पर अच्छा खासा वो पैसा कमा सकता था। अब ये पैसा उसका डाइवर्ट हो गया है, मतलब बढ़ गया है, डिवाइडेड हो गया है, क्योंकि आधा पैसा वो किसी और को जिसने हमने बनाया है वो हमको देगा, आधा पैसा फिर वो खुद रखेगा। तो दोस्तों ऐसा काम मत कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं UMMC के कान छूट रहे हैं तो आप हमारे पास आइए और फुल कोर्स कीजिए, या UMMC का कोर्स कीजिए। और हमारी UMMC की जो क्लासेस हैं वो 14-15 तारीख से लगती हैं, जो 22 तारीख रहती हैं, बहुत ज़्यादा दिन भी हम आपके लेंगे नहीं। और बट हमारी UMMC क्लासेस 2 घंटे की नहीं होती है, किसी ऑनलाइन वीडियो की जैसे 3 घंटे की नहीं होती है। पूरे हमारी UMMC क्लास 10 से 12 घंटे की क्लासेस होती हैं, जिसमें आपको पहले थ्योरी समझाई जाएगी, आपको आपके फ़ोन में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा, और फिर आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ताकि जो चीज़ आपने थ्योरिकल समझी है, जो चीज़ आपने फिर आपके सामने जो टीचर्स आपके उनके स्किल या आपने उनको देखा कि हाँ वो जो चीज़ वो थ्योरी बता रहे वो डन हो रहा है, फिर उसी चीज़ को आप प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी आगे करेंगे। तो इस तरह से काम सक्सेस होता है। तो जो टेक्नीशियंस डर रहे हैं या जो टेक्नीशियन काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से काम छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों मैं ये वीडियो में प्लीज़ अपील करूँगा, वो काम मत, जो काम छोड़ चुके हैं वो काम मत छोड़िए। और जो लोग जिस भी इंस्टीट्यूट से सीख के आए हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूट भाग रहे हैं, तीसरे भाग रहे हैं, उनको देखो दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि एक स्टूडेंट अगर दूसरे तीसरे इंस्टीट्यूट जा रहा है तो वो इंस्टीट्यूट में फॉल्ट है। आप उस स्टूडेंट की मेंटलिटी भी समझना। इंस्टीट्यूट वाले तो सबसे मेन ये तो मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि उस पर वीडियो बना के दूसरे को नीचे दिखाते हैं, देखो हम कितने सुपीरियर हैं, तुम कितने बेकार हो, ये दिखाते हैं। जबकि स्टूडेंट भी हो सकता है कि वो हो सकता है कि 10 तरह के टीचरों का नॉलेज लेने के लिए यहाँ से वहाँ घूम रहा हो, उसके बाद पैसा हो। बट दोस्तों आप अपने पैसे को वेस्ट क्यों कर रहे हैं 10 जगह जाकर? आप एक जगह जाइए और जो नहीं सीखा है उसके बाद फिर जाइए, दोबारा सीखिए उनके पास जाके, फिर दोबारा उसके बाद जाइए। आप अगर अपना पूरा ज़िंदगी का पैसा लुटा भी देंगे तो आप फिर ऐसे सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप फिर जो जाके किसी इंस्टीट्यूट में सीखेंगे रजिस्टर कैपेसिटर या बेसिक से, फिर वो दूसरा इंस्टीट्यूट भी बेसिक से सिखाएगा, वो थोड़ा हाई लेवल से सीधा सिखा देगा, वो थोड़ा तुमसे पूछेगा कि बताओ क्या सीखना है, मैं वो सिखाता हूँ, वो तो तुमको सभी बच्चों के साथ बिठाएगा। तो रीज़न ये है, आप किसी इंस्टीट्यूट का साथ मत छोड़िए, किसी के बहकावे में मत आइए। कोई आपको कह रहा है कि ये वाले इंस्टीट्यूट में ज़्यादा सिखा रहे हैं और उसमें चलते हैं, आप हो सकता है कि वो इंस्टीट्यूट अभी आपको हो सकता है क्लासेज में 2-4 चीज़ें ज़्यादा सिखा दे, पर उसके बाद बैकअप ना दे, उसके बाद बुलाए नहीं, उसके बाद आपसे पैसे ले, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या बोलेंगे, सब ने लूट लिया? तो ये देखिए, मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो
चलिए इसको पूरा एक बार ऑन होने देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग है इस सेट में, और हमने इसकी हेल्थ भी देखी, हमने इसकी हेल्थ भी बनाई, और ये हमारा बोर्ड, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको अपना बोर्ड भी पूरा सा भी निकाल के भी दिखा दूंगा, ठीक है। यही बोर्ड है हमारा, मैं इसको निकाल के भी दिखा दूंगा। ये बस पूरा ऑन करने दीजिए, फोन हमारा पूरी तरीके से ऑन हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा फोन ऑन हो गया है, और हमारा टच इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आप देखिए, मैंने टच है वो टच अभी लगाया नहीं है। और खैर, और इस फोन में अब आप सोचेंगे कि जो सिक्योरिटी है, तो वो सिक्योरिटी तो वो सॉफ्टवेयर तो करता ही है, वो सिक्योरिटी वो डाल देगा। सिक्योरिटी के तौर पे इस पर QCN फाइल डाल के इसका बेसमेंट बनाएंगे और उसके IMEI को रिपेयर करेंगे विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। और दोस्तों, और कैसा लगा है वीडियो बताएगा ज़रूर पूरा। और आपने अगर आपको हमारे यहाँ आना है, आपको हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, और आपको मुझसे पढ़ना है, आपको मेरी टीम से पढ़ना है, या आपको हमारे मिलन सर से पढ़ना है, तो आप आइए एसर टेलीकॉम और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच एसर टेलीकॉम। दोस्तों एक किसी टीचर से नहीं, एक टीम से बनकर बनना है, और ताकि वो आपको ज़िंदगी भर का बैकअप देता रहे। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं इसको बोर्ड को भी आपको एक बार निकाल के दिखा दूँ, हालांकि ये चीज़ मैं कभी करता नहीं हूँ, बट कर देते हैं एक बार। देखिए ये देखिए दोस्तों, यही बोर्ड था जिस पर मैंने काम किया था, आप देख सकते हैं। यही बोर्ड था जिस पर मैंने काम किया था, पीछे से भी देख लीजिए। थैंक यू। मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीओ निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीओ निकालने वाले हैं?